सबको नमस्ते, जय श्री राम। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, सीनियर मोस्ट फैकल्टी, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूं पृथ्वी के आकृति और आकार के बारे में। ये आकृति और आकार है क्या? आकृति और आकार किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास कोई बॉल हो, कोई बॉक्स हो, कोई कॉपी हो, तो आप देखेंगे कि आप उसकी आकृति देखने की कोशिश करेंगे कि वो गोलीय है, चौकोर है, आयताकार है। ये उसकी आकृति और शेप होता है। और जहां साइज और आकार की बात की जाती है, वहां पर शामिल हो जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, यानी कि मेजरमेंट्स, मापन, कि पृथ्वी की लंबाई कितनी है, पृथ्वी की परिधि क्या है, पृथ्वी की चौड़ाई कितनी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच कितना संबंध, कितनी दूरी है, चंद्रमा और अन्य ग्रहों के बीच में पृथ्वी से कितनी दूरी है, किस नंबर पर, यानी कि जितनी भी मेजरमेंट्स की या मापन की प्रक्रियाएं होती हैं, वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। और इस विज्ञान को कहा जाता है जियोडेसी या भूगणित। क्या कहा जाता है? जियोडेसी या भूगणित, जिसमें पृथ्वी के सभी प्रकार के मापन, मेजरमेंट्स शामिल किए जाते हैं। तो हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है, शेप कैसा है? क्या ये पूरी तरह से गोल है, एक बॉल की तरह? आपका जवाब होगा शायद नहीं, ये पूरी तरह से गोल नहीं है। तो पूरी तरह से गोल क्यों नहीं है? ये सही बात है कि पूरी तरह से पृथ्वी गोल नहीं है, बल्कि ध्रुवीय क्षेत्रों में ये थोड़ी सी चपटी है। और इस चपटी पृथ्वी को कहा जाता है लक्ष्मक्ष गोलाब या ऑबलेट स्फीयर। समझे ना, पूरी तरह से गोल नहीं है, एक सर्किल की तरह गोल या बॉल की तरह गोल नहीं है, बल्कि हमारे पोलर रीजन्स पर ये चपटी है, थोड़ा सा चपटी है, पिचकी हुई है। और इसका पिचकी होने का क्या कारण है? पृथ्वी के दो गतियां हैं मुख्य रूप से, आप जानते हैं, हालांकि और कुछ गतियां भी हैं, चार पांच गतियां हैं, लेकिन यहां हम दो की बात कर रहे हैं। एक, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, और ये अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इसके ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से घूमती है। और ये स्पीड इतनी तेज है, ये गति इतनी तेज है कि सिर्फ 24 घंटे में ये एक चक्कर काट लेती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। और जैसे जैसे गोल होने के कारण से ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है, वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी या गति कम होती हुई चली जाती है, और ध्रुवों पर जाते जाते ये बिल्कुल जीरो हो जाती है। जबकि अधिकतम जो गति होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है। तो अधिकतम गति भूमध्य रेखा के होने के कारण से जो भूमध्य रेखीय भाग है वो थोड़ा बल्ज खा गया है, बाहर की ओर टूट गया है। तो बाहर की ओर बल्ज हो जाने के कारण से ध्रुवीय भाग थोड़े चपटे हो गए, और इस चपटे होने के कारण पृथ्वी का घूमना है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इसके ऊपर अप्लाई होना है, जो केंद्र से बाहर की ओर जो बल कार्य करता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है या बल कहलाता है। इस कारण से हमारी पृथ्वी संपूर्ण गोल ना होकर बल्कि ध्रुवों पर चपटी हो गई है। अब कल्पना कीजिए कि हमारी पृथ्वी की ये स्पीड बढ़ जाए या घट जाए तो क्या हो? अगर ये बढ़ जाए तो ये ध्रुवों, ये भूमध्य रेखा पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या बल और भी ज्यादा हो जाएगा, तो ये इसमें और भी चपटापन आ जाएगा और भूमध्य रेखा वाला भाग और भी ज्यादा बल्ज होकर या उभार होकर बाहर की ओर आने लगेगा। अगर ये कम हो जाए तो उसका विपरीत, यानी कि घट जाएगा। अब मेरी बात समझ रहे ना? अब यहां पर हम ध्यान दें कि मैंने ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई पृथ्वी बनाई है, और इसमें भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, आर्टिक व्रत और मकर रेखा, आर्टिक व्रत और दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बनाए हैं। तो
तो ये हमारी लक्ष्मत गोलाब या ऑब्लेट स्पीयर हमारी पृथ्वी की आकृति है, शेप है। पहले प्रारंभ में इसके ऊपर बड़ी चर्चा होती थी, मैं प्राचीन काल की बात कर रहा हूं जब लोगों को इतना ज्ञान नहीं था, तो यूरोप में विशेषकर पृथ्वी को चपटा माना जाता था, चपटा इंसेंस तस्तरी की तरह चपटा फैला हुआ, गोल गुलाब नहीं माना जाता था बल्कि चपटा माना जाता था। और इसका विवरण ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और कुरान में भी मिलता है। बाइबल और कुरान में पृथ्वी को चपटा बताया गया है, तस्तरी की तरह चपटा बताया गया है, ना कि गुलाब के रूप में बताया है, ऑब्लेट गुलाब के रूप में बताया गया है। इसके विपरीत हमारे भारतीय शास्त्रों में पृथ्वी को हमेशा गोल बताया गया है ना, इंटरेस्टिंग चीज। आर्यभट्ट जो बीसीज में हुए थे उन्होंने पृथ्वी को गोल बताया है, गुलाब के रूप में जो ध्रुवों से थोड़ी चपटी है। और यूरोप में 14वीं शताब्दी तक इसको फ्लैट माना जाता रहा और अर्थ सेंट्रिक सोलर सिस्टम को माना जाता कि अर्थ बीच में है, पृथ्वी बीच में और सूर्य चंद्रमा और सभी ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन आर्यभट्ट ने इस मिथ को पहली बार तोड़ा, उनकी पुस्तक आर्यभट्टी है, उसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोलाब के रूप में है, गोल है, इसीलिए हमारे यहां पर इस शास्त्र में भूगोल कहा जाता है, भूगोल ख गोल, यानी कि सभी आकाशीय पिंड गोल हैं, चपटे नहीं है। जबकि यूरोपियंस को इसकी जानकारी 14वीं शताब्दी में जाकर हुई थी, गैलीलियो कोपरनिकस वगैरह ने जो काम किया था उन्होंने कहा कि पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि गोल है। तो बाइबल के खिलाफ गैलीलियो और कोपरनिकस गए तो उनको पनिश भी किया गया वहां की रोमन कैथोलिक गवर्नमेंट में, वेटिकन सिटी का आपने नाम सुना होगा, उनको पनिश किया गया, उनको हाउस अरेस्ट रखा गया, उनको जेल में रखा गया और गैलीलियो को तो अंधा भी कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने दूरबीन भी बनाई थी। और दूरबीन, हालांकि दूरबीन के बारे में बताऊंगा कि हमारे यहाँ पे दूरबीन भी आविष्कृत हो चुकी थी, हमारे यहाँ साइकिल भी आविष्कृत हो चुकी थी, हमारे यहाँ मिसाइल्स टेक्निक्स भी थी, हमारे यहाँ वायुयान टेक्निक्स भी थी, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ और बाहरी आक्रांताओं के आक्रमण होने के कारण से हमारा विज्ञान थोड़ा पीछे की ओर जाता गया और बाहरी विज्ञान हम पर ज्यादा हावी होता गया। मतलब एक प्रकार से कहें कि हमारे विज्ञान को दबाया गया और उसमें से जो अच्छा था वो निकालकर अपने नाम से पैटर्न करके छाप दिया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो यूरोपियंस या मॉडर्न कैलकुलेशन और हमारे प्राचीन वैदिक कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं बैठती। आप मुझे एक 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 परसेंट का एरर मार्जिन देंगे, 1% हो सकता है कि इधर उधर हो, लेकिन 99% से भी अधिक हमारी कैलकुलेशन पृथ्वी से संबंधित बिल्कुल एक्यूरेट बैठती है जो मॉडर्न साइंस बताती है, मॉडर्न ज्योग्राफी बताती है ना, आश्चर्यजनक तथ्य। अब हम थोड़ा बात करते हैं पृथ्वी के आकार के बारे में। आकार क्या होता है, साइज, साइज कैसा है। अब साइज में सारा मेजरमेंट्स या मापन शामिल हो जाता है। और ये मापन कैसे होता है, ये पृथ्वी की परिधि कितनी है, पृथ्वी की पृथ्वी का व्यास कितना है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम ध्रुवों के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की और पृथ्वी की परिधि क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी क्या है, ठीक है ना, पृथ्वी का व्यास क्या है, पृथ्वी का अर्धव्यास क्या है, पृथ्वी का घनत्व क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, पृथ्वी का आयतन क्या है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी और कितने प्रतिशत जल है। आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी तीसरे नंबर पर है, मरकरी वीनस के बाद में तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी है और पांचवें नंबर का बड़ा ग्रह हमारी पृथ्वी है, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, पूरा सौर मंडल में, सौर परिवार में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अन्य जो बड़े ग्रह हैं वो गैसीय जायंट्स के रूप में है, उनमें गैसीय भंडार या गैस का भंडारण बहुत अधिक है और
पार्थिव स्थल या स्थलीय भाग की कमी है, तो इसलिए पार्थिव दृष्टि से हमारी पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़े ग्रह के रूप में मानी जाती है। पार्थिव मतलब धरातल जो खुला हुआ है, और उसमें भी आप देखें कि 29% जो है हमारी पृथ्वी पर है वो पार्थिव भाग है, यानी कि टेरेस्ट्रियल पोर्शन है, और वो टेरेस्ट्रियल पोर्शन हमारे रॉकी स्फीयर या स्थलीय भाग को प्रदर्शित करता है, जबकि 71% हमारी पृथ्वी पर वाटर है, जल है, और ये जल ऑक्सीजन इस पृथ्वी को एक यूनिक प्लैनेट, एक अद्भुत ग्रह के रूप में प्रदर्शित करती है, क्योंकि यहां पर ही जीवन है। हमारे सौर मंडल में कहीं पर और जीवन नहीं है, अन्य ग्रहों पर कहीं जीवन नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इतने बड़े ब्रह्मांड में जिसकी आकार, जिसकी लंबाई चौड़ाई, जिसके व्यास द्रव्यमान, इन सब की हमें जानकारी नहीं है, वहां पर जीवन संभव हो सकता है, मैं मना नहीं करता हूं। हमारी पृथ्वी जैसी कई ऐसे ग्रहों की खोज की गई है जहां पर पृथ्वी जैसा वातावरण होने की संभावना पूरी तरह से नासा ने व्यक्त की है, और ऐसे 22-23 ग्रहों को ढूंढा भी है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, अपने स्टार की परिक्रमा कर रहे हैं, और वहां की जो जलवायु दशाएं हैं वो लगभग पृथ्वी जैसी हो सकती हैं, यानी कि वहां पर जल की उपस्थिति भी हो सकती है, ऐसा वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशंस लिए गए हैं उनके आधार पर कहा जाता है, लेकिन पूरी तरह से अभी इस पर इसको पूरी तरह से प्रमाणित नहीं किया जा सका है, इस पर अभी भी खोज या रिसर्च ऑब्जर्वेशंस वगैरह चल रहे हैं। तो हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी पर जिस पर 29% स्थल है और 71% या 71% जल है, उसके हम व्यास के बारे में देखें, उसकी हम परिधि के बारे में देखें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में लगभग 150-149 मिलियन किलोमीटर की दूरी है, और ये पृथ्वी हमारे तीसरे नंबर पर है सोलर सिस्टम में। पृथ्वी की उम्र 4.5 से 4.6 अरब वर्ष तक है, और ये पहले नंबर पर सबसे बड़ा पार्थिव ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का है। अब ये द्रव्यमान है हमारी पृथ्वी का 5.9736 × 10^24 kg। ये वॉल्यूम और आयतन है 108.321 × 10^10 km³। देख रहे हैं ना, ये डेंसिटी है हमारी पृथ्वी की, यानी कि घनत्व 5515 × 10 kgm². अब हम आते हैं सामान्य कैलकुलेशन जो हमारी पृथ्वी की है उनके ऊपर। आप देख रहे हैं कि यहां पर मैंने परिधि लिखा है कि पृथ्वी की परिधि भूमध्य रेखा की, यानी कि पूर्व से पश्चिम, ये 40,075 राउंड फिगर में 75 किलोमीटर है, जो ईस्ट टू वेस्ट भूमध्य रेखीय परिधि कहलाती है। ऐसे ही ध्रुव की ओर जाएं तो ये 40,008 किलोमीटर है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ध्रुव चपटे हैं, तो ध्रुव चपटे होने के कारण से और भूमध्य रेखा बल्जी होने के कारण से भूमध्य रेखा की परिधि ज्यादा है और ध्रुवों की परिधि कम है। अब हम आते हैं व्यास पर, यानी कि डायमीटर। भूमध्य रेखा पर डायमीटर है 12,756 किलोमीटर, और ध्रुव से यानी कि उत्तर दक्षिण जो डायमीटर है या व्यास है वो 12,713 है। तो आप देखेंगे कि भूमध्य रेखीय व्यास ज्यादा है और ध्रुवीय व्यास कम है, और इसका मुख्य कारण मैंने आपको बताया कि पृथ्वी ध्रुवीय भागों पर चपटी है। अर्धव्यास की बात करें तो अर्धव्यास हमेशा व्यास का आधा होता है। अगर आप इनका आधा कर लें तो भूमध्य रेखीय अर्धव्यास और ध्रुवीय अर्धव्यास आपको प्राप्त हो जाएगा। अब धरातल का गुरुत्व कितना है, गुरुत्वाकर्षण, ये m = s² में बताया जाता है, और ये है 9.780। एल्बेडो यानी कि पृथ्वी पर जो चमक है, जो सूर्य से आने वाली जो सौर किरणें हैं, जिसे हम सौर्य ताप भी कहते हैं, वो हमारी पृथ्वी पर पड़कर कितना रिफ्लेक्ट करती है बाहर,
बाहर की ओर, वो 0.306 एवरेज है। हमारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहा जाता है, और जो पेरिहेलन और एपिहेलन उपसोर और अपसोर जो है वो आप देखेंगे 14709 और 152.10। यानी कि पृथ्वी जब परिक्रमा करती है तो परिक्रमा करती हुई पृथ्वी पर, पृथ्वी जब एक अंडाकार शेप में परिक्रमा करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो कहीं पर यह पृथ्वी सूर्य के पास आती है, कहीं पर यह दूर चली जाती है। इसको ही हम उपसौर और अपसौर के नाम से जानते हैं। तो ये एक छोटा सा विवरण मैंने आपको पृथ्वी के शेप एंड साइज के बारे में बताया। ये शेप और साइज या पृथ्वी का की आकृति और आकार के बारे में प्रारंभ से ही हमारे ऋषि मुनियों ने वैदिक कैलकुलेशंस की थी। ऑब्जर्वेशंस उसका बेसिक आधार था, और मैंने आपको बताया कि वो कैलकुलेशन इतनी सही हैं, आप आर्यभट्टीज के साथ साथ वराहमिहिर की कैलकुलेशंस देख सकते हैं, भास्कराचार्य द्वितीय की कैलकुलेशन देख सकते हैं, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पृथ्वी के जितने भी भूगणितीय संबंध हैं, या पृथ्वी के अन्य ग्रहों और सूर्य से, अन्य तारों से जो संबंध है, दूरियां हैं, कौन हैं, उन सब के बारे में बड़े विस्तार से डिस्क्रिप्शन दिया है, जो मॉडर्न साइंस से ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट बैठता है। सबसे बड़ी बात यह कि वो मॉडर्न साइंस से इक्विवेलेंट बैठता है, और एरर भी कहीं आएगा तो वो मुश्किल से 0.5 या 1 के करीब आएगा, यानी कि 99% हमारे भारतीय वैदिक भूगोल या विज्ञान का बिल्कुल सही बैठता है। अब ये पृथ्वी ध्रुवों से चपटी होने के कारण से जो वायुमंडल है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। क्षोभ मंडल जो पहली परत है हमारी पृथ्वी, हमारे वायुमंडल की, वो लगभग 18 किलोमीटर दूर है एवरेज, जिस कारण से जैसे जैसे ये ध्रुवों की ओर जाती है तो इसकी इसकी ऊंचाई कम हो जाती है, और वहां पर ये 8 या 8.5 किलोमीटर ही रह जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है, मैंने जो पहले ही बताया था कि भूमध्य रेखा पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम बल के काम करने के कारण से बाहर की ओर फेंकता है ये बल, तो शोभ मंडल भी बाहर की ओर चले जाता है, ऊपर की ओर चले जाता है, वहां पर उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, लगभग 18 किलोमीटर तक ऊंचाई बढ़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ये स्पीड, ये वेलोसिटी कम होती ही चली जाती है, और मैंने आपको बताया कि ध्रुवों पर जाते जाते ये जीरो हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है, और इसके कारण से ध्रुवीय भागों में गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है, और गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाने के कारण से वो शोभ मंडल जो भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर ऊंचाई लिए हुए होता है वो ध्रुवीय भागों में खिंचकर सिर्फ 8 किलोमीटर ही रह जाता है, यानी कि नीचे आ जाता है। और इन ध्रुवीय भागों में एक विशेष किस्म की कई प्रकार की रंगों की लाइट्स भी देखने को मिलती है, जिसे अरोरा लाइट्स के नाम से जाना जाता है। ये अरोरा लाइट्स पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र है उससे जो सोलर फ्लेयर्स आ रही हैं, सूर्य तूफान वगैरह आते हैं उनसे निकल के आती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के मिलने के कारण से जो क्रिया होती है एटमॉस्फेयर में, उससे कई प्रकार के रंग एटमॉस्फेयर में, आकाश में देखने को मिलते हैं, जो ध्रुवीय प्रदेशों में ही देखने को मिलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इसको एरोरा बोरालिस के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण गोलार्ध में इसको एरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में एरोरा बोरालिस और दक्षिणी गोलार्ध में एरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिस मतलब ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के वहां दिखते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिस बताया गया। अरोरा एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि विभिन्न किस्म की रोशनियां, विभिन्न किस्म के प्रकाश जो बड़े लुभावने होते हैं देखने में, आकाश में पट्टियों के रूप में, चेक के रूप में, धाराओं के रूप में, ऊपर नीचे इस प्रकार से धाराएं होती हुई रंग बिरंगी,
बड़ा दर्शनीय और सुंदर दृश्य होता है। तो ये घटनाएं सारी के सारी इन ध्रुवीय भागों में होती हैं। और हमारी पृथ्वी एक यूनिक ग्रह क्यों मानी जाती है, एक अद्भुत ग्रह क्यों मानी जाती है, उसके पीछे मुख्य कारण मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारी पृथ्वी की जो स्थिति है जो कि सूर्य से तीसरे नंबर पर है वो आदर्श स्थिति है, जिसे हम गोल्डी लॉक जोन भी कहते हैं, और जो 108 अंक से भी जुड़ा है, उसके रेशो से भी जुड़ा हुआ है। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में 108 का संबंध मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था, उसको देखिएगा, आपको और भी ज्यादा इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी। हमारी पृथ्वी की उम्र मानी जाती है लगभग 4.5 से 4.6 बिलियन ईयर्स, यानी कि एवरेज हम कह सकते हैं 4.6 अरब वर्ष पुरानी हमारी पृथ्वी है। कितनी पुरानी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर जीवन इसमें मुश्किल से कुछ लाखों साल पहले का है। अगर इसको आप एक क्लॉक के रूप में देखें, 12 घंटे के रूप में, तो 12 से लेकर 8 तक, 8 बजने तक तो पृथ्वी पर किसी प्रकार का जीवन नहीं था। फिर जल में जीवन प्रारंभ होते हुए एमिनो एसिड से प्रारंभ होते हुए ये आगे बढ़ा, धीरे धीरे वनस्पति जीव जंतु वगैरह बने जल से, फिर जल से ये स्थल की ओर आए। जैसे जैसे पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ती गई वैसे वैसे स्थल भागों में आते गए, और लास्ट में आए मैमल्स, मैमल्स मतलब स्तनधारी जीव, और उसमें भी सबसे लास्ट में आए मनुष्य, यानी कि हम, यानी कि हम इस पृथ्वी के सबसे नए प्राणी हैं और सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं। हमारी बुद्धिमानता के कारण से हमको होमो सैपियंस कहा जाता है, यानी कि बुद्धिमान प्राणी, होमो सैपियन, वी आर सैपियन, होमो सैपियंस। इस पृथ्वी के केंद्र को में हम हैं, यानी कि पूरी पृथ्वी को के संसाधनों को हमने भरपूर अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हुए उपयोग किया है, प्रयोग किया है, और कर रहे हैं, और आने वाले समय भी करेंगे। लेकिन इसका दुष्परिणाम भी हम लोग भोग रहे हैं, जितने प्रकार के क्लाइमेटिक पॉल्यूशंस हो रहे हैं, डिग्रेडेशंस हो रहे हैं, प्रदूषण हो रहे हैं, महामारियां हो रही हैं, जलवायु बदलाव हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारी पृथ्वी का तापमान जो बढ़ रहा है, उसमें हमारी क्रियाओं का भी, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी, हम लोगों के द्वारा जो जहरीली गैसेस वायुमंडल में छोड़ी गई हैं उनका भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो समय रहते हमको एक प्रकृति इस प्रकार से चेताने का प्रयास कर रही है कि आप संभल जाएं, और ये जो प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति के नियमों में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको रोक दें, इसको नियंत्रित करें, अन्यथा हमारी पृथ्वी जीवन को सहने लायक या हमको सहने लायक नहीं रहेगी, इतनी प्रदूषित हो जाएगी कि यहां पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए अभी भी ये बहुत मुश्किल दशा है। एक कैलकुलेशन ये बताती है कि हम आज इस विकास के पैटर्न या पृथ्वी को रोक दें तो भी पृथ्वी को सामान्य होने में लगभग 5000 वर्ष लगेंगे। पृथ्वी की सामान्य स्थिति, जो प्राकृतिक स्थिति है, उसको प्राप्त करने में 5000 वर्ष लगेंगे अगर हम बिल्कुल इस विकास की दर को, इस विकास के प्रतिरूप को रोक दें। इतना भयानक, भयावह हमारा आने वाला समय हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए है। कोरोना जैसी और कई बीमारियां उभर उभर के आ रही हैं, पृथ्वी पर तूफान बढ़ रहे हैं, भूकंप बढ़ रहे हैं, ज्वालामुखी घटना घट रही है, खगोलीय कई प्रकार के बदलाव पृथ्वी पर आ रहे हैं। हालांकि वो प्राकृतिक हैं, लेकिन उसमें मानवीय हस्तक्षेप भी पृथ्वी के धरातल पर है, और इन मानवीय हस्तक्षेप के कारण से हमारे, हम लोगों को और हमारी पीढ़ियों को आने वाले समय में बड़ी बुरी स्थिति से गुजरना पड़ेगा। उसमें सबसे पहली बुरी स्थिति होगी पीने के जल, स्वीट वाटर, ये बहुत कम होने वाला है। वनस्पति की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब ऑक्सीजन और पानी की कमी होगी तो आप सोच सकते हैं कि हमारे लिए इस पृथ्वी पर जीवन यापन करना कितना कठिन हो जाएगा आने वाली पीढ़ियों के लिए।
थोड़ा सोचिए और संसाधनों को बचाने का प्रयास कीजिए। आप जितना ज्यादा संसाधनों को बचाएंगे उतनी ही आप आने वाली अपनी पीढ़ियों की मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से कोई प्रश्न पूछना हो तो आप फोन कर सकते हैं 9828596982853162। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का दिन अच्छा हो। जय श्री राम।